सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद त्रिमंत्र बोला है, एवं बेन फॉलो करिएगा। हाँ, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोए सव्वसाहुणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसि, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बहन अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। मेरा प्रश्न है, मेरे को है, प्लीज पूछिए। बिहारियाना हमरा परेशानी टिप्स आवेली, तेमा लखी थी के साची आलोचना करी होय तो એટલે આખું વાક્ય છે બધું, હમણાં જ મેં વાંચ્યું પણ ભૂલી જવાય છે, પણ આ સાચી આલોચના એટલે સમજાવો તો ડીપમાં, તમે કેવી રીતે આલોચના કરો છો, દાદાની દ્રષ્ટિની આલોચના ને અમારી આલોચનામાં શું ખામી છે એ તમે મને કહો। જય સચિદાનંદ। ગુજરાતી મેં પૂછા ગયા હૈ લેકિન હિન્દી મેં હમે ઉત્તર મિલેગા। સહી આલોચના કિસે કહેતે હૈ? आलोचना तो एक जो है वो पुस्तक में जो लिखी हुई है वो शब्द हम पढ़ते हैं वो एक आलोचना है। दूसरी जो आलोचना है जो हार्टिले होते हैं, हार्टिली, वहां शब्द नहीं होता है लेकिन हार्टिली होता है। और तीसरी जो आलोचना है तो वो आलोचना ही ऐसी होती है कि उसको आंसू आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, इतनी हर्टिली होती है, उसको इतना खेद होता है जिसकी वजह से उसको अश्रु धारा बह जाती है। बराबर है, शब्द हुई आप कहते हो तो बराबर है। हम भी हमारे दोष की आलोचना करते हैं, कितनी बार करते हैं हम, मेरा हिंदी पक्का हो जाएगा। हाँ तो उसमें क्या होता है कि होती है, अभी तो व्यक्ति नहीं आती है मेरे अंदर, पर पहले व्यक्ति आती है, उसके पीछे पाछा दूसरा पड़ खुलता है तो दूसरी पर वही आलोचना करनी पड़ती, तो ऐसे वीक हो जाता है हमारा, और अंदर से द्रव्य की कैसे आलोचना करने की वही बताना। द्रव्य की आलोचना मतलब विचार जो आता है तो जो उसमें दादा के पूछ के बिना जो भरा है हमने पूरी टांकी, हमारी टांकी जो है दादा ने भरी हो है, उसने सील लगा दिया है हमको मालूम है, पर जो खाली हो रही है तो उसमें तो इतना इतना जोर जोर से भरा है, पर जो निकलता है ने वो टिपे टिपे से निकलता है। हाँ, जैसा भी निकलता है लेकिन हमारी जो बिलीफ है ना, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से हमको उसका असर ज्यादा होता है। तो स्वभाव, अपना स्वभाव ऐसा नहीं है, स्वभाव के हिसाब से होता है। हमारा स्वभाव में तो सिर्फ देखने का है और जानने का है। हम देखने में नहीं रहते लेकिन मुझे ऐसा हो गया, मेरे उसका ऐसा खराब विचार आ गया, मुझे बहुत खराब विचार आते हैं, उसमें चले जाते हैं, कर्ता भाव में चले जाते हैं, लेकिन हमको
ज्ञाता भाव का अभ्यास करने का है। ज्ञाता भाव है ही लेकिन उसका अभ्यास नहीं है, तो अभ्यास कैसे होता है? वो देखने से ही जैसा भी है, अच्छा विचार है तो खुश होने का नहीं है, खराब विचार है तो डिप्रेस नहीं होने का। हाँ हेमा बेन होगी, सत्संग में जाने का विचार आएगा, दादा का निधि ध्यासन रहेगा तो हेमा बेन राजी राजी हो जाएगी। बराबर है, उसको बोलने का ये एक विचार है। और अच्छा विचार अच्छा या बुरा विचार जो है उसकी इफेक्ट तो हेमा बेन को होती है, हम इस इफेक्ट में बह जाते हैं। लेकिन अकेले तो रहते हो तो अच्छे अच्छा अच्छा लगता है, पर सबके नहीं तो साथ सभी में, सभी के साथ में रहते हो तो भी यही है, ये पुरुषार्थ हमारा यही है। अच्छा दरअसल साथ में है। और अभी महात्मा इतने पुराने हुए हैं तो ये अभ्यास तो कर ही पाना ना, आना ही पड़ेगा ना। बराबर है, मुझे ऐसा हो गया, खराब विचार आ गया, पढ़ने का नहीं होगा। आवाज कपाई जो आवाज कपाई हेमा बेन जो है वो शुभ अशुभ बिलीफ लेता है, सब अपनी तो जो बिलीफ जो अपनी बिलीफ जो होती है उसको ही निकाल लेता है ना वही। हाँ नहीं वो बिलीफ की वजह से आपको दुख होता है कि अभी भी ऐसे विचार आते हैं, अभी भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो शुभ अशुभ की जो बिलीफ है वो बिलीफ की वजह से अच्छे विचार आते हैं तो तुम खुश हो जाती हो, गलत विचार आता है तो डिप्रेस हो जाती हो। लेकिन ये विचार जो है वो हमारा स्वभाव नहीं है, विचारना वो मन का स्वभाव है। और हमको सिर्फ देखने का अभ्यास करने का है। अच्छा अच्छा हाँ वो अभ्यास तो करना है, वो अभ्यास हम स्वयं कर सकते हैं, कोई हमारा साथ नहीं देंगे, स्वयं करने का है। वहां ही व्यक्तिगत पुरुषार्थ है जो बताया था ना कि ये अक्रम विज्ञान जो है वो व्यक्तिगत पुरुषार्थ है। अच्छा अच्छा व्यक्तिगत पुरुषार्थ आपको करना ही पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भी कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। लेकिन जब तक व्यक्तिगत पुरुषार्थ नहीं है वहां तक प्रगति नहीं हो सकती है। वो अल्टीमेट है तुम्हारा, तो इस वो दादा का वाक्य लागू पड़ेगा वो ही के हमारा ज्ञान से तुमको शांति मिलेगी पर मोक्ष नहीं मिलेगा, विज्ञान से मोक्ष होता है। बस क्योंकि वो विज्ञान से हमारा खुला हुआ है तो उसके स्वभाव में आवाज कपाई जाए, आवाज कपाई जाए। आपका वीडियो बंद किया है प्लीज। तो वो स्वभाव में रहने का अभ्यास करने का है हेमा बेन, वो हमारा अभ्यास कच्चा पड़ता है। वहां पुरुषार्थ करने का है, स्व पुरुषार्थ, उसमें कुछ चीज नहीं आती। तुम कहाँ काम करते, तुम बैठते उठते सब कोई आता नहीं है, पर देखने का सारा दिन देखने का बस। आपको कोई भी रोक नहीं सकता उसमें, इसलिए दादा बोलते थे कि तुम पिक्चर जो कहाँ भी जाओ, शादी में जाओ, इधर जाओ इधर जाओ, पर ये अक्रम विज्ञान तुमको मोक्ष में ले जाएगा, इससे दादा बोलते थे ना। इसीलिए बोलते थे कि आपको आज्ञा में रहते हुए कोई भी संजोग रोक नहीं सकता है, क्योंकि आज्ञा में रहना वो आपका आंतरिक पुरुषार्थ है। और आंतरिक पुरुषार्थ में बाह्य किसी भी संजोग का जोर नहीं चलता है, कोई भी आदमी आपको रोक भी नहीं सकता है।
बराबर छे, बराबर छे, समझे, बराबर बराबर। यही पुरुषार्थ में अब जाने का है, और ग्रंथि बड़ी है, विचार की कोई भी ग्रंथि बड़ी है तो उसको सामायिक में रखकर देखो, उसका प्रतिक्रमण करो। बराबर छे, बराबर छे। तो दादा तो कहे खिचड़ी करता है सहलोच मोक्ष, पण आज्ञा पाळीए तो दादा तो भूलवा भूली गया लागे छे, आज्ञा पाळीए तो मोक्ष सहलो छे। नहीं तो ये तो सीधी बात छे ने। हाँ बराबर छे, 100%। पण अनादिनो अध्यास करवा पड़ामा छे ने। हाँ अनादिनो जे अध्यास छे तमारो, का सारू आ खोटू, आम करू पड़े, आम ना करे तो ना चाले, आम करिए तो थाय, हिंदी में प्लीज। हाँ तो वो जो आपका पुराना अध्यास है वो आपको अभी परेशान कर रहा है, कि वो अध्यास के सामने ये हमारा नया अभ्यास करने का है, तो पुराना अध्यास टूटेगा। तो अभी हमारी कमजोरी कहाँ है, कम ये नया अभ्यास जो है वो अभ्यास करते नहीं है, बिल्कुल करते नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वही मेन है, वही अभ्यास करने का है, तो उसके पीछे लग जाने का है। अच्छा हाँ, और व्यवस्थित शक्ति, हमारा जो भी माल भरा पड़ा हुआ है वो टाइमिंग होते ही वो माल निकलेगा। बराबर छे, इसमें हमारा कुछ चलता नहीं है। वो तो मालूम है कि वो द्रव्य वो पुस्तक जाड़ू वाँचू तो एमा लख्यू तो के निश्चय तमारो पाको होय तो व्यवस्थित पण फरी जाय, ए वाक्य मारा दादाए मने लक्की नी मापक चोटाड़ी दे दलो। बराबर, निश्चय એટલે મારો નિશ્ચય તો છે જ મોક્ષે જવાનો અને બધી ફાઇલો નિકાલ કરીને જવાનો, આજ્ઞામાં રહેને કા ભી નિશ્ચય હોના ચાહીએ, બસ ઓય આ ભી આપકો નિશ્ચય કરના પડેગા। અચ્છા અચ્છા, જરૂર કરેંગે, જરૂર કરેંગે। જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ। બહોત બહોત ધન્યવાદ હેમાબેન। ડોક્ટર કશ્યપ ભી દિલ્હી। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मुझे ये पूछना है, ये आप सूत्र 2842 ओके, आप पूछिए तब तक मैं ले आता हूँ। ये कषाय निर्मूल करवा अव्यवहार करवानो छे, तेज व्यवहार थी आ कषाय उभा थाय छे, ये थोड़ा समझाइए इसका। जे कषाय निर्मूल करवा आ व्यवहार करवानो छे, ते तेज व्यवहार थी आ कषाय उभा थाय छे। ये बराबर, तो हम जो कसाय भर के आए हुए हैं, पुराना जो संस्कार है वो कसाय लेके आए हैं, और उसको निर्मूल करने के लिए अभी ये व्यवहार हो रहा है, लेकिन जिसके पास ये दृष्टि नहीं है, जिसके पास ये ज्ञान नहीं है, तो व्यवहार करते करते ही नया कसाय उसमें नया बीज पड़ जाता है। कश्यप जी, अच्छा ऐसा है। हाँ, जिसके पास ये दृष्टि नहीं है तो जो कसाय निर्मूल करना, जे कसाय निर्मूल करवा आ व्यवहार करवानो छे, तेज व्यवहार थी आ कसाय उभा थाय छे। એટલે કે ક્રોધ માન માયા લોભ જો કસાઈ ભરા પડા હુઆ હૈ લેકર આયે હૈ વો કસાઈ કો નિર્મૂલ કરને કે લિયે યે વ્યવહાર અભી હમ કરતે હૈ
क्योंकि वो जो कसाय है वो बीज स्वरूप है, कोष स्वरूप है, क्या है, कोष स्वरूप है, कोष, उसका परिणाम ये व्यवहार है। और व्यवहार करते करते जिसके पास दृष्टि नहीं है तो वो व्यवहार करते करते नए कसाय के बीज डाल देते हैं, समझ गया, तो नया कसाय खड़ा हो जाता है। समझ आ गया, बराबर, क्लियर? हाँ क्लियर है। मैं इससे दो चार और, मैं ये इसे कसाय पे आए थे व्हाट्सएप में, तो मैं वो पढ़ता हूँ, आप थोड़ा अर्थ बता दीजिएगा। 2844 कषायो दंड नहीं एनु नाम ज्ञान, कषायो दंडे ए ज्ञान। फिर एक और है 2847 कषाय ए आपदा, एक एक लीजिए, हाँ जी एक एक लीजिए, नंबर क्या है? कसायो दंडे नहीं एनु नाम ज्ञान, कसायो दंडे ए अज्ञान। हाँ जो तो जब हम कसाय बोलते हैं ना, ये मुझे ये समझ में आता है, आप इसमें ये समझ में आता है कि इसमें बता रहे हैं कि अगर आपको ज्ञान है कि नहीं है, इसका पहचान ये है कि कसाय से आपको असर होती है कि नहीं होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं जी, ज्ञान किसको बोलते हैं कि पुराने कसाय की वजह से आपको तकलीफ हो रही है, हाँ जी, वो कुदरत का दंड है। क्या है कुदरत, मतलब दंड मतलब भुगवटा है। हाँ जी, पुराने कसाय की वजह से कश्यप जी को तकलीफ हो रही है, वो कुदरत का दंड है। हाँ जी, और ज्ञान उसे कहते हैं कि हमारे जो पुराने कसाय है वो हमको भुगवटा न दे, मतलब कि हम भुगवटा में ना होवे, हमको असर नहीं होगी ना, क्योंकि हमारा कश्यप जी को असर होगी। लेकिन आप शुद्धात्मा रूप उसमें तन्मय नहीं हो जाओगे, वो कश्यप जी को असर हो रही है, वो असर को आप देखने वाले जानने वाले रहेंगे, तो वो ज्ञान के आधार से आप रह सकते हैं। हाँ जी, और इसलिए बताया कि ज्ञान वो है कि कसाय की वजह से आपको दंड ना पड़े, तकलीफ ना पड़े, भुगवटा ना आए। इसमें तीन होते हैं ना, हूं भावो और मंगलदास होते हैं, मतलब जो हूं जो है वो अलग बात है, पहले ये समझ लो। नहीं, वो जो है किस, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि किसको असर होती है किसको नहीं होती है, तो वो सब भावों को होती है ना जो है असर। नहीं, बावा है तो जो असर तो होगी बावा को, तो वो बावा स्वरूप जो है उसकी डायरेक्ट असर कश्यप जी पर पड़ती है। मतलब ये जो बताया ना कषाय डंडे नहीं एनु नाम ज्ञान, तो जो ज्ञान है वो भावो को होगा ना जो है। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान जो है वो अभी जो ज्ञान है उसको ज्ञानी बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्ञानी बाबा। और अज्ञान है वो अज्ञानी बाबा है। हाँ, तो सभी जो कसाय है वो अज्ञानी बाबा में आते हैं। हाँ, समझे? तो वही ना, ज्ञान अज्ञान जो है वो बाबा के लिए बोला गया है ना जो है उसके लिए। हाँ, तो ज्ञानी बाबा और अज्ञानी बाबा दोनों क्लियर करना पड़ेगा ना। हाँ, क्योंकि क्योंकि मंगल मंगलदास तो वो तो जो है वो तो जो है इफेक्ट है, फाइल है, और हाँ, जो हूँ है वो तो पहले से ही जो है वो आत्मा स्वरूप है, तो बीच में जो बीच का जो है वो भावो वही उन्हीं को ज्ञान अज्ञान होता है, सही है ना ऐसे? हाँ, बराबर बराबर, लेकिन अज्ञान की वजह से उसको गड़बड़ होती है और ज्ञान की वजह से उसको स्थिरता आती है, निसंक होता है। हाँ, जो दंड पड़ता है वो बाबा के ऊपर ही पड़ता है ना, बाबा को ही असर होता है, बाबा को असर होता है, और बाबा की असर मंगलदास पर आती है। बाबा की असर मंगलदास पे आती है? हाँ, कि मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया,
तो मंगलदास भी ढीला पड़ जाता है ना। मंगलदास तो फाइल है। हाँ तो फाइल है, लेकिन साथ बाबा के आधार पे चलती है ना मंगलदास फाइल। हाँ, वो मतलब उसको जैसे मतलब हाँ उसको बाबा तो ही उसको चलाता है, साइकोलॉजिकल और फिजिकल इफेक्ट दोनों पड़ती है, असर जैसे उसके ऊपर पड़ती है। मतलब दुख होगा तो आंसू निकलेंगे और सुख होगा तो पड़ता हाँ वो ढीला भी पड़ जाता है। है। हाँ हाँ है तो मंगलदास भी खुश नजर दिखाई देता है, पूरी प्रकृति खिल जाती है। सही है। तो कसाई जो सारे हैं वो अज्ञानी बाबा है, और अभी जो ज्ञान है हमारा वो ज्ञानी बाबा है। तो ज्ञानी बाबा की वजह से अज्ञानी बाबा का दंड हमको भुगतना नहीं पड़ता है, बराबर। हाँ अच्छा कसायो दंडे ए अज्ञान, कसाई आपको हैरान करता है तो वो अज्ञान की वजह से करता है। समझ गया। हाँ हाँ मैं एक और पूछ सकता हूँ जी। हाँ पूछ सकते बोलिए हैं। बोलिए बोलिए। 2847 जो है उसमें लिखा हुआ है, कषाय ए आवता भावनु कारण छे अने विषय ए गया भावनु कारण। बराबर। तो ज्ञान होने के बाद भी ये जो है होता है ऐसे कि कषाय से जो नहीं, है। ये जो पूरा वाक्य है वो जिसको ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हुई है जनरल लोगों के लिए है। हाँ क्योंकि कसाय ए आवता भवनु कारण छे, कि कसाय की वजह से नया कर्म बीज पड़ रहा है, तो वो आवता भव का वो कारण हो गया। लोभ कसाय है, विषय कसाय है, क्रोध कसाय है, वो कसाय के कारण उसमें नया कोष पड़ता है। तो वो जगत के लिए ये नया भव का कारण है, और अभी जो हमको जो विषय है, जो भी विषय है, स्त्री पुरुष का विषय है, मन का विषय है, चित्त का विषय है, किसी भी प्रकार का विषय है, तो वो पूर्व भव का जो कारण है उसका ये परिणाम है। परिणाम अभी जो आपको विषय दिखाई देता है किसी भी प्रकार का, वो विषय जो दिखाई देता है वो परिणाम है। लेकिन परिणाम कब होता है, कारण पूर्व भव का जो कारण है वो गया भव का जो कारण है कॉज रूप में है, उसके आधार से अभी इफेक्ट रूप में ये विषय परिणाम आता है, ऐसा कहना चाहते हैं दादाजी। क्लियर। समझ गया। और उन्होंने ये भी बताया कि उसमें आगे के सूत्रों में कि अज्ञानता रूट कॉज अज्ञानता है से 2848 और 2849 में उन्होंने ये बताया रूट कॉज अज्ञानता छे। ठीक ठीक है समझ में आया। फिर और आपसे पूछूंगा आगे जैसे। हो गया क्लियर। जी क्लियर हो गया जी, धन्यवाद। ओके थैंक यू। जय सच्चिदानंद। हेमा बहन बोलिए। हेमा बहन अनम्यूट करें। सब सब चीज आत्मा के बिना सब चीज विषय है, बराबर है। और जो सिलवान है, सिलवान तो ब्रह्मा हम वाक्य में वाचू तो पहला कई घना वक्त वाचू छे, घनी बार आई गयु छे आखा घड़ी। अने अपने ब्रह्मचर्य नी बुक पण कोके लखी लखी छे, ए पण वाची छे। एमा लख्यु तो के ब्रह्मचर्या करे एज साचु ब्रह्मचर्य, बराबर बराबर। हवे बराबर अमे तो संसार લઈને આયા છે, પછી કે છે સંડાસ જાય સા બધા બધા સંસાર સંસારી, તો અનો પાર ક્યારે આવે? તો પછી ને પાર તો ક્યારે આવે કે સ્વરૂપમાં આયા વગર અનો છેડો સ્વરૂપ હિન્દી ના સ્વરૂપ પ્લીઝ। કે
स्वरूप में आया बिना उसका अंत नहीं आता है। अगर आप स्वरूप में आ गए तो वो दुनिया का अंत अपने आप आ जाएगा, अपने सभी व्यवहार का अंत अपने आप आ जाएगा। व्यवहार तो चलता ही रहेगा, चाहे ज्ञानी का है या अज्ञानी का है, लेकिन उसकी निष्ठा कहाँ है? अच्छा, वो मायने रखता है। अच्छा, मैं शुद्धात्मा हूं और ये रिलेटिव है, यहाँ पर उसकी निष्ठा है, यहाँ पर उसकी जागृति है, तो चाहे कितना भी जो भी व्यवहार है वो खाली हो जाएगा। तो अपने को निष्ठा ज्ञान में रखनी चाहिए या सच्चिदानंद संघ में रखनी चाहिए, किस में रखनी चाहिए? ज्ञान में है तो सच्चिदानंद संघ में आ जाएंगे अपने आप, है ही, हम तो सच्चिदानंद संघ में ही है। हाँ बस मैं पूछ, तो ऐसे ज्ञान के हिसाब से जो होता है, ज्ञान के हिसाब से जो होता है वो पूरी अलग बात है। सच्चिदानंद संघ जो है वो व्यवहार है। पर दादा ने बोला था ना, वही तो 25वां तीर्थंकर है। हाँ, 25वां तीर्थंकर है वो, बराबर है संघ, वो 25वां तीर्थंकर है। तो हमको हेमा बेन को संघ के निर्देश के अनुसार चलना चाहिए। अच्छा, संघ यानी क्या? एक दृष्टि वाले, एक ध्येय वाले, एक निष्ठा वाले महात्मा हो का समूह, उसको संघ बोलते हैं। ये दुनिया में तो बहुत सारे संघ है, तो हमारा जो जय सच्चिदानंद संघ है, जो दादा भगवान ने प्रस्थापित किया हुआ है, बराबर से, और उसके सब संघपति भी है, उसके सब आप्त पुत्र भी है, तो जो संघ का निर्देश होवे, संघ जो हिसाब से हमको निर्देश करे, इस हिसाब से चलने का है, तो हमारा व्यवहार दिपेगा। अच्छा अच्छा हाँ, समझ गए। अपने मनमाने हिसाब से चलेंगे तो फिर ज्ञानी भी कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। बराबर से, बराबर से। संघ जब आता है तब अनुशासन आता है। क्या आता है? अनुशासन। अनुशासन मतलब जो कहे उस हिसाब से चलने का है। क्या बोलने का? लोग कहे उसके हिसाब से अनुशासन नहीं, चलता लोग है? कहे नहीं, संघ कहे, आप्त पुत्र कहे, इस हिसाब से चलने का है। अच्छा 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 हाँ, अनुशासन। अनुशासन हमको मन तो में आए ऐसा नहीं चलने का है। अच्छा, जैसे मन में आ जाए कि मुझे ऐसा करना है, चलो ये सब को पूछ पूछ क्या करने का है, मैं अकेला हो जाऊं, अकेला होके सब कर लूंगा, तो वहां अनुशासन नहीं है। वहां अपनी प्रकृति को पवन मिल जाता है। क्या मिलता है? पवन मिल जाता है। हाँ, तो वो प्रकृति फिर उड़ने लगती है आकाश में। अच्छा अच्छा हाँ, वो इसलिए तो किसी प्रकार का बंधन को मान्य नहीं करते है वो लोग। बराबर छे, वो इसलिए तो दीपक आनंद ने वो एक क्लिप स्मोक ली थी के साथे चालिए तो आगर जवाय, अरे एकला चालिए, ए मुख्य तो कार्टून सरस हतु। अनुशासन बहुत बड़ा तप है। बराबर छे, अनुशासन किसी के कहे अनुसार, संघ के कहे अनुसार, अप्त पुत्रों के कहे अनुसार चलना, वो बहुत ही बड़ा तप है, क्योंकि बुद्धि कुछ और बताएगी। हमारे तो तब तो हस्बैंड बोलता है ना, वही तब आ जाता है पहले। हाँ, तो उसके हिसाब से चलने का तो आपका निवेड़ा आएगा। बराबर छे, क्योंकि आपको तो ऐसा लगेगा कि उसमें कुछ अक्ल नहीं है, मैं ही अक्ल वाली हूँ, तो वो आपको घुमा देगी। और हस्बैंड के हिसाब से चलते हैं, इसलिए दादा भगवान ने भी बताया है कि पत्नियों को अपने पति के कहा अनुसार चलना है, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है,
तो जो पति कहता है उसके आधार से वो चलती है, तो वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ती है बराबर छे। और उसका एकड़ा बराबर दादा बोलते थे, एकड़ा बिना मिंडा नकामा है। समझ बात समझ में आई बराबर। आएगी, बराबर फिट हो जाती है। बस तो ऐसा चलो, अनुशासन बहुत बड़ा तप है। बाद जैसे में जैसे थोड़ा अनुशासन ये के बारे में बोलने का। हाँ जी, जैसे ये संघ है ना, हाँ जैन संघ लेते हैं, मान लो कि बाहर का कोई जैन संघ है तो 400-500 साधु लोग होते हैं, तो उसका चौमासा में किसको कहाँ जाने का है, 4 महीना कहाँ रहने का है, वो संघ तय करता है। अच्छा, ठीक उस हिसाब से उसको चलना पड़ता है, उस अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं कि मैं ये अच्छा संघ में अच्छा जाऊंगा, यहाँ मेरे लोग बहुत ज्यादा है, मुझे पहचान वाले बहुत ज्यादा है, मेरी देखभाल करने वाले बहुत लोग ज्यादा है, इसलिए मैं यहाँ जाऊंगा, ऐसा मनमानी नहीं चलता है। संघ बराबर प्रोग्राम छे। बनाए चातुर्मास का, वो प्रोग्राम के अनुसार उसको जाना पड़ता है। अगर तो उसकी आप कोई खास इच्छा है तो वो पहले संघ को कह सकते हैं कि यहां से मेरे लिए आमंत्रण आया है, अगर आपको सही लगता है तो वहां मुझे भेज देना, वो कह सकता है। आपको आप सभी अपने पुत्रों को ऐसे 18 और 20 तो सबको संघ की अनुमोदना से जाने का, नहीं सब जगह जाते हुए कि हम लोग जो अपने जाते पसंद हैं से वो जाते हैं। पुत्रों की कमिटी है, अच्छा, 3-4 समझ गए, समझ अप्तपुत्र गए। होते हैं, वो 3-4 अप्तपुत्र जो दृष्टि वाले सूझ वाले होते हैं वो प्रोग्राम बनाते हैं, तो इस हिसाब से अच्छा हम लोग जाते हैं। हमको पूछते भी है, किसी को कुछ तकलीफ है, कोई पसंदीदा स्थल है वो पूछते हैं। अंत घड़ी में भी अगर फेरफार करना है तो फेरफार कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम बनाते हैं पहले, एक बार प्रोग्राम बना देते हैं, किसी को कुछ सजेशन है तो वो कह सकते हैं, फिर जो वो प्रोग्राम बनाए इस हिसाब से सब आप्तपुत्र चलते हैं। बराबर हाँ, बराबर बराबर। तो आप्तपुत्र की कमिटी है, ये तो और मैंने हमारी क्लैरिटी माटे मैंने पूछा था प्रश्न। और आप्तपुत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी भी आप्तपुत्र ही है। वो अपनी मनमानी नहीं करते, कौन? आप तो पुत्र के ट्रस्टी। नहीं 3-4 होते हैं ना। हाँ अच्छा, 3-4 होते हैं, ट्रस्टी भी 3-4 होते हैं और प्रोग्राम बनाने वाले भी 3-4 होते हैं, तो अच्छा वो अच्छा 3-4 इकट्ठे मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसको कहाँ भेजना है। अच्छा जैसे अच्छा पर्युषण आता है, गुरु पूर्णिमा आती है, तो सबको जाना पड़ता है ना 4-5 केंद्र में, तो बराबर है। कौन कहाँ जाएगा, किसके साथ जाएगा, कैसे जाएगा, वो सभी व्यवस्था का वो लोग ख्याल रखते हैं। अच्छा, हाँ अभी स्वतंत्र नहीं है, अपने आप से नहीं जैसे कोई हम स्वतंत्र जाते हैं नहीं, ऐसे नहीं है। यही स्वतंत्रता है, हाँ इसमें बराबर रहना स्वतंत्रता है, वो ज्ञान में है। है। अच्छा, और अगर मुझे कहीं जाना है, मान लो कि पर्युषण पर्व है और मुझे कोई शहर में जाना है, तो मैं कह सकता हूं कि भाई मैं यहाँ पे नहीं गया हूं कई साल से, मेरा यहाँ होवे तो अच्छा है, अच्छा, ऐसा मैं सजेशन रख सकता हूं। अगर उनको ठीक लगे तो वो स्वीकार कर लेते हैं, नहीं तो तो फिर अभी अपने हिसाब से गोठवणी कर देते हैं। अच्छा, अभी तो अमेरिका में कोई लोग नहीं आए आप तो पुत्र, तो हम आप सजेस्ट कर, कोई आप तो पुत्र को बोलना कि सजेस्ट करना दिल में, तो इधर आए हाँ तो अच्छा है। नहीं बराबर है, और पहले ऐसा आप लोग आमंत्रण तो भेजो, मैंने भेजा ना, हाँ संघ को विनंती करो। इधर का संघ को कैसे विनंती करे, इधर तो कोई संगी नहीं है ना। नहीं इंडिया के संघ जो है उनको विनंती करो कि भाई 3-4 आप्तपुत्रों को भेजो,
अच्छा हाँ, और भी व्यवस्था होती है ना, सब सब व्यवस्था होती है। हाँ, तो इस ऐसे पद्धति सर जाने का है, यही अच्छा अच्छा संघ हाँ की व्यवस्था है, यही अनुशासन है। अच्छा आपकी इच्छा है तो आपको संपत्ति को बोलने का है, इंडिया के संपत्ति को बोलने का है। कभी अच्छा ऐसी कुछ व्यवस्था हो सकती है तो करो। अच्छा हाँ ओके बोलेंगे, हम हाँ बोलेंगे। हाँ 4-5 महात्मा लोग इकट्ठे होकर विनंती करते हैं तो फिर संघ सोचता है, संपत्ति भी सोचता है, आप तो पुत्र भी सोचते हैं। अच्छा ओके बराबर। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करुणा जी पुनः। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसे हो? अच्छे, मैं अच्छी हूँ बस आपकी कृपा से, आप सबकी कृपा से बोलिए। जी एक सूत्र है, स्वभाव है तो विभाव होगा, स्वभाव नहीं तो विभाव कहाँ से आया, इसका बराबर, समझना बस है। इतना ही है। हाँ इतना ही है, वो ऐसा सूत्र है। नंबर क्या है वो बताओ दीपक आनंद जी को। ये बुक है नहीं, नंबर बोलो आप, बुक नंबर 310 बोलो, है, नंबर बोलो, बुक है प्रकट अनुभूति के ज्ञान सूत्र, बुक नंबर बोलो, और बुक नंबर भी होगा, कितने नंबर की बुक है? ये पता नहीं कितना लिखा हुआ है वो। ऊपर लिखा होगा फ्रंट पेज पर बुक नंबर 14 है शायद, कौन सा? 14 14 श्रेणी 14। 14। ओके ओके यस 310। ओके। स्वभाव है तो विभाव है, अगर विभाव होगा। विभाव होगा, अगर स्वभाव नहीं है तो विभाव कैसे होगा? ऐसा है तो स्वभाव यानी जो मूल स्वभाव प्रकृति का भी है और आत्मा का भी है, तो आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो ज्ञाता द्रष्टा है। क्या है? हाँ, ज्ञाता जिसको तो किसका ज्ञाता द्रष्टा? तो ये जो करुणा है वो विभाव दशा है। क्या है? करुणा विभाव दशा है करुणा। जो है वो कर्म से बनी हुई है ना, हाँ उसका अंतस्करण मन वचन काया वो विभाविक दशा है, उद्गल की विभाविक दशा। आत्मा है, स्वभाव है, मतलब क्या आत्मा है, विभाव होगा तो के साथ में प्रकृति भी होगी, ये दोनों साथ में ही होते हैं। समझ में आता है? हाँ करुणा है तो साथ में शुद्धात्मा है ही, शुद्धात्मा है तो साथ में करुणा है, आपके लिए मेरे लिए बिहारी है, और किसी के लिए जो भी जिसको जो देह मिला वो देह है, वो उद्गल का विभाविक स्वभाव है, विभाविक स्वरूप है। क्या है? विभाविक विभाविक स्वभाव है। स्वरूप, विभाविक यानी कर्मो भाव से जो भी उद्गल खींचा हुआ है उसके आधार से यह शरीर मिलता है। हर एक के कर्म अलग अलग है इसलिए हर एक दिखावा अलग अलग है, हर एक की सोच अलग अलग है, हर एक का सब कुछ अलग है। ठीक है, विभाव दशा में जब वो स्वाभाविक दशा में नहीं रहता है और कर्ता भाव में आ जाता है
तो वो पुद्गल का विभाविक दशा अवस्था खड़ी हो जाती है। तो स्वभाव है तो विभाव है, मतलब आत्मा है ये मन वचन काया है और अंतस्करण है। मन वचन काया और अंतस्करण वो विभाविक दशा है। क्या है? विभाविक दशा है। हाँ, वो स्वाभाविक नहीं है। और जो आत्मा है उसका जो स्वभाव है वो एक जैसा ही है। हर एक के अंदर जो आत्मा है वो एक जैसा ही है और एक जैसा ही उसका स्वभाव है। ज्ञाता दृष्टा मूल उसका स्वभाव है। तो ज्ञाता दृष्टा किसका? तो ये विभाविक दशा जो है करुणा की, वो विभाविक दशा का ज्ञाता दृष्टा। ओके। उस स्वट में बताया कि स्वभाव है तो विभाव है। फिर दूसरा वाक्य क्या है उसमें? स्वभाव नहीं तो विभाव कहां से आया। हाँ, स्वभाव नहीं तो विभाव कहां से, मतलब के आत्मा नहीं है तो विभाविक स्वरूप खड़ा ही कहां होगा। आत्मा नहीं है तो फिर करुणा रहेगी नहीं, नहीं रहेगी। तो ये है, स्वभाव नहीं तो विभाव कहां से। और एक और है, ज्ञान मिलने के बाद भोग्य के अलावा कुछ नहीं बचता, मतलब। हाँ, ये आप जरा अपनी किताब बताइए ना। हाँ, दिख रहा है वो नंबर आपको ठीक नहीं बता रहे, क्योंकि वो ये नंबर मैच नहीं होता है यहाँ पर। ये था, नहीं नहीं नहीं, आप वो पीछे आगे आगे फ्रंट पेज पे जो नंबर है वो मेन किताब का नंबर। हाँ, ये रहा। कौन सा नंबर है बराबर देखो। दिख रहा है आपको? नहीं, आप नंबर पढ़ के बताओ ना। एक सेकंड, ये है 15 है नंबर। 15 14 बताया। 14 बोल दिया, सॉरी, मुझे ये वाली नहीं आती है, सॉरी, मुझे ये नंबर नहीं मिल रहा। मैं बोला ये कैसे हो सकता है, गड़बड़ हो गई। 15 था, सॉरी। अभी तो वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ, नहीं वो पूरा स्टेट बदल गया, ऐसा हो गया। यस, दूसरा वाला कौन सा है? ज्ञान मिलने के बाद भोग्य के अलावा कुछ नहीं बचता। हाँ, ज्ञान मिलने के बाद भोग्य के अलावा कुछ नहीं बचता, मतलब जो भी है, खाना पीना बैठना उठना सब भोग्य है। क्या है? भोग्य है। हाँ, मतलब कि उसका निकाल हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कुछ भी कर रही है, डांस कर रही है, खाना खा रही है, सो रही है, वो सब भोग्य है। तो वो भोग्य है तो उसके वो तो रहेगा ही, तो ज्ञान के बाद सिर्फ यही रहता है और उसका निकाल करने का है। क्या करने का है? निकाल करने, भाव से निकाल करने का है। तो ज्ञान के बाद तो जैसे सामने से आता है अपने को कहीं ऐसे और भोगने का, तो हमको ऐसे मना करना चाहिए कि नहीं, अब हमको ज्ञान हो गया, अब हम ये सब नहीं करना है। क्या आता? या फिर क्या आता है करना है, जैसे कहीं जाने का, घूमना फिरना वगैरह। हाँ हाँ, तो जो आ रहा है और हमारा हिसाब है। हाँ, और हमारी हम जिसके साथ रह रहे सब सुविधा है, संजोग है, तो जा सकते हैं। पर अपनी नहीं है कि हमें जाना ही है, फिर भी। हाँ, फिर भी जाना पड़ता है। इसीलिए तो भोग्य बोला। भोग्य मतलब क्या है?
के फरजियात उसको भुगतना है, जो फरजियात उसको भुगतना ही है उसको भोग्य बोलते हैं। तो मर्जी नहीं है फिर भी अपमान होता है, मर्जी नहीं है फिर भी हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, गलत व्यवहार भी होता है, तो वो सब भोग्य है। और मैं शुद्धात्मा हूं, मतलब वो फर्ज जात है। क्या है? फर्ज जात है, मींस करना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि कर्म का फल स्वरूप है ना। अभी हमको पसंद नहीं है, लेकिन जब इंटरेस्ट लिया है तभी तो वो बहुत पसंद था। तो वो इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट से आपने इंटरेस्ट लिया था, इसके परिणाम स्वरूप भी ये भोग्य स्वरूप में वो आता है, तो वो कंपलसरी आपको भुगतना पड़ता है। समझे? हाँ बिल्कुल। तो वो भी बाकी रहा, सबको रहा। जैसे महावीर स्वामी भगवान है तो उनके जीवन में भी कितना सारा आया, हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है। महावीर स्वामी भगवान के जीवन में तो कितने सारी तकलीफें आई, कितनी सारी मुश्किलें आई, वो सब आत्मा में रहकर वो सब उसका निकाल किया। तो इसी तरह हमको भी ऐसा ही करने का है। हाँ, जैसे हमारे जो मतलब जैसे मम्मी नानी दादी हुए, उनकी लाइफ जैसी थी वैसी हमारी नहीं है, तो वो भी है ना, उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मेहनत बहुत वगैरह। हाँ, इसलिए उनका शरीर मन सब बहुत स्ट्रांग होता है। और हमारे जीवन में सब टेक्नोलॉजी का यूज होता है, इसलिए तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं, देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का ज्यादा उपयोग है काल के अनुसार, इसलिए मेहनत सब चली गई। हाँ, आपकी दादी आपकी नानी ने तो कुएं में से पानी भरा होगा। हाँ भरा। अभी हम आपको जाना पड़े कुएं में पानी भरना, तो वो बाहर निकलने में ही शर्म आवे। हाँ बिल्कुल, वो लेकिन जाने में ही शर्म आ जाए। हाँ आ जाए, तो तू ही पानी पानी हो जावे, पानी तो दूर रहा। तो ये अब ऐसा नहीं लगता है, मतलब पहले होता तो लगता कि अरे ऐसे हम कैसे करें। नहीं, अभी तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, अभी नहीं लगता चाहे कैसा भी हो, क्योंकि अभी निकाल करता है और ये करुणा का व्यवहार है और मैं शुद्धात्मा हूँ, तो फिर वो शर्म का बोझा नहीं रहता है। तो पहले तो बहुत शर्म आती, अभी वो बोझा निकल गया। क्या हुआ? वो निकल गया, वो बोझा जैसे हैं वैसे रहे। हाँ हाँ, ऐसा अभी दिखावा नहीं करने का है, जैसा है वैसा हम अपने स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, और जो भी रोल आए वो रोल हम निभा लेते हैं। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बराबर। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अशोक जी, आप पूछना चाहेंगे? स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक ये है, जगत की मार खाना उसमें आत्मा का स्वाद है, देने में स्वाद नहीं है, देकर ही तो यह हुआ है, खड़ा हुआ है। हाँ, देकर ही तो यह खड़ा हुआ। दोबारा बोलो, जगत की मार खाना उसमें आत्मा का स्वाद है, देने में स्वाद नहीं है, देकर ही मार खाना, देकर ही तो यह खड़ा हुआ है। हाँ, खड़ा हुआ। जगत की मार खाना मतलब क्या है? मार मतलब वो डायरेक्ट पीटते नहीं है। हाँ जी जी, लेकिन
व्यापार में मार पड़ता है, किसी के साथ प्रेम हुआ है तो वहां मार पड़ता है, किसी फ्रेंड ने विश्वासघात किया है वो मार पड़ता है, तो वो ये सब जगत का मार है। क्या है? जगत की मार, जगत का मार है। हमारी बेटी है, पाल पोस के बड़ी की है और वो भाग जाती है, ये मार बड़ा नहीं होता है? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा होता है। बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे मार है। तो ये मार जो अब हम खाते हैं, तो अशोक का कर्म पूरा होता है। अच्छा अच्छा हाँ, तो वहां शुद्धात्मा की प्रगति है जी। फिर से वो वाक्य बोलो आप। जगत के जगत मार, की मार खाना, उसमें आत्मा का स्वाद है। बस बस बस, तो आत्मा का स्वाद है मतलब क्या है? तो अशोक जी को जितना भी मार पड़ता है, तुरंत हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। ओहो हो, कितना मार पड़ा है, किस जिस जिसके पर विश्वास रखा, जिस जिसके पर भरोसा रखा, सब टूटा। पैसा का मार पड़ा, आर्थिक मार पड़ा, बहुत सारे मार पड़ता है। तो वो मार पड़ता है, वो हमारा हिसाब है। क्या है? हिसाब है, वो हमारा हिसाब है, ऐसा समझ लेते हैं। जितना भी संसार का मार पड़ता है, वो हमारा हिसाब है जी, वो समझते आत्मा की, आत्मा का स्वाद आता है उसमें जी। जी, बात बैठी? समझ में? हाँ हाँ बोलिए। और मारने से तो क्या होता है? नया खड़ा होता है जी। तो मार खा लेना, तो मार खा लेते हैं तो छूटते हैं पुराने बंधनों से। हाँ हाँ हाँ, आप अब समझ आ गया। बिल्कुल बिल्कुल समझ आया। हाँ, मतलब ऐसे कोई मार नहीं मारता है हमको, अपन को प्रतिक्रिया नहीं देनी है उसकी, प्रतिक्रिया नहीं देनी है। और अशोक को मार पड़ता है तो वो ऐसे नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है, कर्म का फल है। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब अपन ने देकर ही तो ये खड़ा किया है। हाँ, देकर खड़ा हुआ है, अब हम मार खा लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी ये अशोक का ही हिसाब है, मेरा ही हिसाब है, तो वो खा लेते हैं तो आत्मा का स्वाद आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस हिसाब से देखा, इतना राज छुपा हुआ है हर शब्द में। हाँ, बहुत राज छुपा हुआ है, बहुत राज है, बहुत। एक और पूछो सर। हाँ बोलिए बोलिए। धातु मिलाप की क्रिया क्या है? जब ये क्या धातु मिलाप की क्रिया क्या है? क्वेश्चन वाचक। जब हम आत्मा के गुण बोलते हैं तभी धातु मिलाप होता है, यदि अन्य गुण बोलेंगे तो धातु मिलाप नहीं होता है। तो अशोक जी, ये यहाँ पे धातु यानी आत्मा, अच्छा, और बाकी के जो तत्व है वो अधातु है जी। तो धातु मिलाप यानी कि हम आत्मा के गुण बोलते हैं, तो वो धातु का, आत्मा का जो स्वभाव है, वो स्वभाव का हमको आनंद मिलता है जी। आत्मा की गुण की भजना करते हैं जी, तो वो धातु मिलाप होता है जी। आत्मा की भजना करने से आत्मा के गुण प्रकट होते हैं और आत्मा में हम स्थित होते हैं जी। जी जी बिल्कुल, इस हिसाब से फिर से पढ़िए वो। धातु मिलाप क्या है? धातु मिलाप की क्रिया क्या है? हाँ, अब ये क्वेश्चन वाचक है। जब हम आत्मा के गुण बोलते हैं तभी धातु मिलाप होता है, हाँ, फुल स्टॉप। यदि अन्य गुण बोलेंगे तो धातु मिलाप नहीं होता है। अभी 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 जो आप तपुत्र समर्पण विधि करा रहे हैं जी, वो जो समर्पण विधि की जो विधि है जी, वो धातु मिलाप का ही प्रयोग है जी। जी
हाँ, उसमें आत्मा का है गुण और साथ में पुद्गल का गुण, दोनों का स्वभाव क्या है, दोनों क्या है, वो सब तत्व रूप से वो पूरी विधि बुलाते हैं। जी तो वो सबसे बड़ी आत्मा की भक्ति है, सबसे हाँ बड़ा सामायिक है, बिल्कुल बिल्कुल और वो बिल्कुल धातु मिलाप का जबरदस्त प्रयोग है, क्योंकि उसमें आत्मा के अलावा कुछ बात नहीं है। आत्मा कैसा है, प्रकृति से किस हिसाब से अलग है, क्रोध माया लोभ से किस तरह से अलग है, मन वचन कैसे कैसे अलग है, वो आत्मा का गुण धर्म सभी एंगल से, जी आत्मा का स्वभाव सभी एंगल से बताया है। वो जी जो 1 घंटे की विधि होती है समर्पण विधि, उसमें जी वो धातु मिलाप की ही विधि है। बहुत ही बड़ा प्रयोग है, और जिन महात्माओं ने ज्ञान लिया है वो भी पीछे आके बैठते हैं, तो जी वो 1 घंटे का बहुत ही बड़ा सामायिक हो जाता है, जी बहुत उत्कृष्ट सामायिक होता है। हाँ, उत्कृष्ट होता है। ऐसा ये प्रयोग है। जी सर जी बराबर। जय सच। जय सच्चिदानंद। सुखजी, इसका रेफरेंस कुछ है? नहीं ये तो वो उसमें आते हैं तो मैं लिख लेता हूँ, डायरी में लिख लेता हूँ, फिर लेकिन अभी पूछूंगा। रेफरेंस रेफरेंस लिखिएगा तो अच्छा रहता है, किसी को अगर आगे कुछ स्टडी ठीक है करना है चलो, तो कर सकते हैं। आगे आगे से मैं रेफरेंस लिया करूंगा। हाँ, हाँ लिखने का, हाँ रेफरेंस लिखने का। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय सच। किसी और का भी वाक्य है तो भी रेफरेंस लिखने का है। बिल्कुल सही कह मान रहे हैं, लो कोई सदगुरु का वाक्य है तो भी उसका रेफरेंस लिखने का है कि बिल्कुल उनका वाक्य है और इनकी बिल्कुल किताब में से लिया हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो पता चलता है। बिल्कुल सही है। एम तो थई ગયો છે, પણ મારો ફિક પ્રશ્ન છે, ઉદ્ભવેલો પ્રશ્ન મારો પોતાનો છે, કે આપણે આ બધું સાંભળીએ કરીએ કરવાપણામાં ને પણ ઓટોમેટિક થાય છે, તે બધી ઉધારી અત્યારે પેમેન્ટ કરીએ છે? हाँ, क्योंकि जो आपको नहीं करना है फिर भी करना पड़ता है ना। हाँ, हाँ, तो जो लोन लिया है तो वो आप चुकते कर रहे हैं, चुकाते तो हैं। लोन चुकते करते समय आपको आनंद नहीं होता है, तकलीफ होती है ना। हाँ, तो ये सब उधारी चुकते कर रहे हैं, जो भी है अभी जो कुछ हो रहा है वो हमारी उधारी हम चुकते कर रहे हैं। ये उधारी चुकते समय जो हमको आत्मा का जो आनंद आता है वही हमारा प्रॉफिट है, बराबर है? वही वही हमारा प्रॉफिट है, क्योंकि अच्छा, जितनी समझ गया। जितनी उधारी चुकते हो जाती है उतना बोझा कम होता है, और और जिसका बोझा कम जिसका हो जाता है कर्मों का बोझा कम हो जाता है। अच्छा, हाँ, तो फिर वो आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे बढ़ता रहता है। और जिसका जिसका हिसाब हेमा के साथ है वही हम करते हैं, तो हिसाब बड़ी चीज है। आप दूसरी बात सत्संग में बोलना, अभी टाइम हो गया है, आप गुजराती हम में बोलो तो पूछेंगे। भी चलेगा, हम हिंदी कर देंगे। हाँ, नहीं, हिसाब 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 ने शोध हिसाब तो बहुत दादा ये जे बहुत करी बड़ा छे, है, व्यवस्थित ने हिसाब ए हजू पूरा बहुत डीप छे, समझवा पूरा जो माटे डीप व्यवहार छे। है, पूरा व्यवहार है, हेमा है या बिहारी है, वो हिसाब का फल है। हिसाब का फल है, हाँ अगले जन्म का हिसाब का फल है। हाँ हिसाब का फल है, जैसा भी हमको देह मिला है, डिस्चार्ज है, अच्छा मिला डिस्चार्ज। है, अच्छा मिला है, बुरा मिला है, जैसा भी हमको देह मिला है वो हमारे हिसाब के फल स्वरूप मिला है। अच्छा, हाँ, किसी को बहुत अच्छी सुंदरता मिली है तो वो सुंदरता के वजह उसको आनंद रहता है, और कोई कदरूपा है तो वो कदरूपा के कारण वो हमेशा ही ग्लानि में रहता है, तो अच्छा, वो उसका
सब है, भुगवटा है। अच्छा हाँ, वो तो मालूम हो गया, भुगवटा है, सब सब चीज भुगवटा है, आत्मा के बिना सब चीज भुगवटा है। हाँ, अभी हमारे लिए जिसको ये दृष्टि प्राप्त हुई है उसके लिए, इसलिए। अच्छा, जय सच्चिदानंद, टाइम थई गयो। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। क्विकली एक और ले लेते हैं, अमी बहन। जय सच्चिदानंद, बिहारी आनंद जी, दीपक आनंद जी। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, ये जो अपन दृष्टि की बात करते हैं ना, तो ये आंख, आंख भी इतना, आंख से भी देखने का इतना सारा इम्पोर्टेंस है। तो जब भी आप एग्जांपल दिखा दीजिएगा, कभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे सपोज सामने गाय आई, बराबर है, तो रिलेटिव से गाय दिख गई, और फिर अंदर से रियल दृष्टि से हमने उसके अंदर के भगवान को देख लिया, बराबर। तो अभी ये आंख से भी देख लिया और दृष्टि से भी देख लिया, तो अभी ये एग्जैक्ट देखना कैसे पता चलेगा, वो मेरे को बताइए। नहीं, ये यही एग्जैक्ट है, जो गाय दिखाई देती है हमको, हाँ, वो आंखों से, स्थूल आंख से हम देख रहे हैं, हाँ, तो वो रिलेटिव का व्यवहार है, हाँ। और हम आत्मा स्वरूप होकर, शुद्धात्मा होकर, गाय के अंदर शुद्धात्मा है वो हम, हाँ, देखते हैं, हाँ, वो रियल का रियल के साथ का व्यवहार है। तो वो ही पूछना चाहती हूँ कि वो हमारा रियल देखना हुआ, जो आप सब सत्संग में भी बताते हो ना कि भाई अभी अपने को सिर्फ देखना है, अभी सिर्फ देखना है, अभी सिर्फ देखना है। तो आत्मा स्वरूप में रहकर, हाँ, हमारे साथ जो जो भी व्यक्ति का, जो जो भी प्राणी का, जो भी व्यवहार आता है, सामने आता है या व्यवहार आता है, हाँ, तो जो स्थूल आंख से दिखाई देता है वो सब, हाँ, रिलेटिव है, हाँ, और रिलेटिव के अंदर रियल है, और रियल से रियल की, रियल दृष्टि से रियल का दर्शन होता है, बराबर। तो वही रियल प्रयोग अपना हो रहा है, ऐसा ना, यही शुद्ध उपयोग है। ओके, जो शुद्ध उपयोग बोलते हैं, कभी शुद्ध उपयोग में रहो। हाँ हाँ, शुद्ध उपयोग वही पूछना था। हाँ, शुद्ध उपयोग दृष्टि है, रिलेटिव को रिलेटिव स्वरूप देखा और रियल को रियल स्वरूप देखा, वो तत्व दृष्टि है। ओके, वही दिव्य चक्षु का प्रयोग है। ओके, हाँ, और वही शुद्ध उपयोग है, वही शुद्ध उपयोग है। हाँ, बस बराबर, हाँ, बराबर। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी, हमारा समय हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावप्पणासनो, सव्व पावप्पणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं, मंगलानं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, पद्मं हवै मंगलम्, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।